वेलकम टू वैल्यू क्रिएटर ब्लॉग। और ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। अब आज हम लोग बात करेंगे CDSL का, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम लोग इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि CDSL बेसिकली क्या करती है, इसका एम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या रहा, रेवेन्यू क्या रहा एब्सोल्यूट टर्म्स में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट कैसे चेंज हुआ, रेवेन्यू कैसे चेंज हुए, क्या कंसिस्टेंट रहे हैं, स्ट्रेंथ क्या था इस कंपनी का, वीकनेसेस क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है, और अभी फिलहाल का न्यूज़ क्या चल रहा है इस कंपनी में, और टेक्निकल एस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी शेयर का, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट हमको लेवल्स बताता है किस लेवल पे बाइंग करना है। भले कंपनी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर हम उसको महंगा खरीद लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब CDSL क्या है? CDSL का मतलब होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। और ये जो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। कहने का मतलब है कि ये कैपिटल मार्केट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये इम्पॉर्टेंट रोल इस एस्पेक्ट में करता है कि जितना भी फिजिकल फॉर्म में हम लोगों के पास शेयर सर्टिफिकेट होता है, वो सारे फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट को ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखता है, ताकि जो है किसी का किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता हो जाए। इसलिए इसका बहुत इम्पोर्टेंट काम है डीमटीरियलाइजेशन। डीमटीरियलाइजेशन का मतलब है, इसको अगर लेमेन टर्म में बोले तो फिजिकल जो क्या कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट है, उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ई सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। ये कंपनी जो है 1999 में फाउंडेड हुई थी, 1999 में, और इसका एम है कन्वीनियंट डिपेंडेबल एंड सिक्योर डिपॉजिटरी सर्विसेज को इंडिया में लाना, ठीक है। एक तरह से ये एक्सचेंजेस को लाता है एक जगह पे, क्लियरिंग कॉरपोरेशन को लाता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इशुअर और इन्वेस्टर को एक साथ लेके आता है, ठीक है। तो ये और मज़ेदार बात क्या है कि ये क्रिटिकल पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट है। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए कि जो कंपनी क्रिटिकल हो, क्रिटिकल कंपनी वैसी कंपनी होती है जिसके बिना काम करना मुश्किल है कैपिटल मार्केट में, क्योंकि भाई डिपॉजिटरी चाहिए तो उसका कहीं ना बैक एंड में हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि डेटा स्टोरेज होना चाहिए, एक तरह के क्लाउड है। जैसे अभी आज हम लोग क्लाउड सर्विसेज देखते हैं, तो ये बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है कैपिटल मार्केट का, पहला चीज। अब इसका रेवेन्यू देखते हैं कि एक्चुअली ये रेवेन्यू कैसे ग्रो किया। अगर हम 2018 में देखें तो 191 करोड़ था, ये करोड़ में है सारा रेवेन्यू, और ये नेट प्रॉफिट 103 था, ठीक है, डेट टू इक्विटी 0 था। यानी अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकलता है जब हम नेट प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था इसका 53.90, फिर इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 58.46। अब रेवेन्यू बढ़ रहा है, 2018 से 2019 में ज़्यादा रेवेन्यू जंप नहीं हुआ, 4 करोड़ का ही जंप हुआ, लेकिन आप 19 से 2020 में अगर हम देखें तो रेवेन्यू जंप हुआ 225, 2020 से 2021। मज़ेदार बात है, अदर कंपनी के रेवेन्यू घट रहे थे इस, क्योंकि ये आउटलायर ईयर है, ये 2020, 21, 19, 19 का एंड मान लेते हैं, ये 2020, 21 को इम्पोर्टेंट है, ये आउटलायर ईयर है जहाँ कंपनी के रेवेन्यू घट रहे थे, जहाँ पे कंपनी क्या कहते हैं अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वहाँ पे इनके रेवेन्यूज बढ़ रहे थे। इसका रीज़न बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ था। 2022 में, 2022 में इसका रेवेन्यू बढ़ के 551 करोड़ चला गया, लेकिन अगर हम प्रॉफिट को देखें 191 करोड़ में 103 करोड़ इसका रेवेन्यू था, ये 114 हुआ, ये 106 हुआ, ये घटा, ये प्रॉफिट आया तो, लेकिन रेवेन्यू के टर्म्स में ये घटा 2020 में, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2021 में ये 58.60 और ये 56.80, यानी कि ये कंपनी जो है
मोर और लेस जीपीएम यानी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे अगर हम एक 2020 का साल निकाल दें तो मोर और लेस 50% या उससे ऊपर का वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करके दिए। तो मोर और लेस हम ये कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के टर्म्स में ये बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म की है। अब रेवेन्यू को देखते हैं। अब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे निकालते हैं कि इस साल जो था रेवेन्यू जो है 2019 में 2.09% से बढ़ा, लेकिन यही बढ़ा और लेकिन यही चीज 2020 में रेवेन्यू बढ़ के हो गया 15.38, यहाँ से फिर रेवेन्यू बढ़ा और बढ़ के 52% हो गया, और यहाँ से रेवेन्यू जो बढ़ा वो 60% रेवेन्यू बढ़ा। अगर हम इसका प्रॉफिट उसी साल में करस्पॉन्डिंग ईयर्स में अगर हम देखें कैसे इसका प्रॉफिट बढ़ा है, तो हम देखें कि यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट नेगेटिव दिखेगा। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, तो ये सिग्निफिकेंटली हायर रहा। 2020 का जो फेज रहा है जहाँ हम लोग लॉकडाउन और उसमें रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन अचानक से लोगों का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा बढ़ा कि जिस वजह से हम लोगों का यहाँ देखने को मिल रहा है कि इसका रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा है। और यही चीज़ है यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे 55.7 चला गया। तो हम देख रहे हैं कि ये अगर 2020 के साल को हटा दें, ठीक है, तो 2021 में सिग्निफिकेंटली हायर रहा है नेट प्रॉफिट अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, यानी 2020 से कंपेयर करें। और यही चीज़ यहाँ से फिर ये 55% बढ़ा है, लगभग 56% के आसपास बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, विथ वन एक्सेप्शन इज 2020, ठीक है। तो 2020 में मेनली एक आउटलायर ईयर था क्योंकि उस वक्त कोरोना पेंडेमिक वगैरह वगैरह आ रहा था, और यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन जो शेयर मार्केट में है वो 2020 से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, जो कि जिसका इम्पैक्ट दिखा 2021 में 89% जम्प, और उसके बाद वहाँ से फिर ये एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा 55.7% का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका स्ट्रेंथ और वीकनेस पे, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। तो बेसिकली अगर हम इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इस कंपनी के पास डेट ही नहीं है, ये कंसिस्टेंटली डेट फ्री है। प्रमोटर को प्लेज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा कभी भी शेयर का, क्यों नहीं ज़रूरत पड़ा? अच्छा, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बिना हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं शेयर मार्केट का, क्योंकि सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आज के दिन में हम लोग रखते हैं। अच्छा, इसका तीसरा पॉजिटिव क्या है कि FIIs, FPI इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग, इवन म्यूचुअल फंड, आगे जब हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड भी धीरे 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 यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में, थोड़ा परफॉर्मेंस कुछ साल काफ़ी अच्छा रहा है, हो सकता है आउटलायर ईयर की वजह से, और कुछ साल थोड़ा सा रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन में अंतर आया है, हो सकता है कि ये इन लोगों ने अपना इंटरनल एक्सपेंसेस को अच्छे से मॉडिफाई किया होगा, शायद इसलिए ये चेंजेस देखने को मिले हैं। खैर, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न। नॉर्मली जहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, यहाँ अगर हम देखें पब्लिक का पार्टिसिपेशन है 46.84%, प्रमोटर है 20%, बाकी DIIs एंड FIIs का अपना सिग्निफिकेंट है, DII 18.47% है और FIIs जो है 14.67% है। अब यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली पब्लिक पार्टिसिपेशन वैसे कंपनियों में ज़्यादा होता है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कम होती हैं, लेकिन यहाँ पे मज़ेदार बात है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ तो ज़्यादा है, लेकिन कब ज़्यादा है? हो सकता है कि यहाँ पे हायर लेवल्स पे CDSL को लोग यूफोरिया में खरीदे हों और अब निकलने एग्जिट खोज रहे हो, तो एग्जिट कैसे मिलेगा? एग्जिट मिल रहा है FIIs और म्यूचुअल फंड के बाइंग से आ रहा है ये एग्जिट, ठीक है। यानी कि रिटेलर जो है वो लॉस में निकलना चाह रहे हैं यहाँ पे, और धीरे 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 म्यूचुअल फंड जो है उनसे जो है खरीदता जा रहा है लोअर लेवल्स पे, इंस्टीट्यूशन इसको एक्यूमुलेट कर रहा है लोअर लेवल्स पे। तो यहाँ पे हम लोगों को आने वाले टाइम में ना पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न में सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा, और FIIs, DIIs और म्यूचुअल फंड के भी और शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो क्रिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ है, हो सकता है हायर लेवल्स पे पब्लिक फंसी हुई हुई होगी,
लेकिन अब धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है। अब न्यूज में आते हैं, न्यूज क्या कह रहा है? न्यूज कह रहा है कि म्यूचुअल फंड ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को 7.39% से बढ़ा के 7.78% किया है मार्च क्वार्टर में 2023, जबकि अभी तक जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है नहीं डिक्लेयर हुआ है इस कंपनी का, CDSL का। FIIs और FPIs जो है इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग, कहाँ से? FIIs का होल्डिंग कितना बढ़ रहा है? 8.65% से बढ़ा के 14.67% लेके चला गया है, लगभग लगभग मतलब मोर और लेस सिक्स, लगभग 6% के अराउंड। 6% बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है, कब? मार्च क्वार्टर में। इवन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो CDSL का मोर और लेस एक फंडामेंटल एस्पेक्ट को टच करने का कोशिश किए हैं, ठीक है। ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा वीडियो के पहले हम कहे हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो आपको ये बताता है कि कहाँ हम लोगों को बाइंग और सेलिंग करना चाहिए, ठीक है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट जानना ज़रूरी है, तो हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट को देखेंगे कि क्या चल रहा है टेक्निकल एस्पेक्ट में। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे CDSL। अब CDSL क्या कर रहा है? अगर हम इस वाले ट्रेंड लाइन को यहाँ से यहाँ ड्रॉ करें, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो बड़ा सा बियरिश ट्रेंड लाइन है, इसको ये काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा बात, अगर हम लोग इस चीज़ को देखें कि इस जगह पे, इस लेवल पे आके, इस लेवल पे आके एक बार ये सपोर्ट लिया था। कौन सा लेवल पे? इस वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे एक बार सपोर्ट किया और यहाँ पे बाउंस दिया काफ़ी अच्छा। ये लेवल था 1016 का और यहाँ तक बाउंस दिया 1454 का, लेकिन ये इस लेवल को भी ब्रेक करके यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, नीचे आया। और अगर हम इस वाले ट्रेंड लाइन को, इस वाले ट्रेंड लाइन को अगर हम यहाँ से, अगर हम इस चीज़ को ये करें, तो ये एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है, ये क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है जहाँ की म्यूचुअल फंड की बाइंग आ रही है। ये जो एस्पेक्ट है, क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे म्यूचुअल फंड की बाइंग आ रही है 27 मार्च। हम जैसा कि पहले स्लाइड्स में बता चुके हैं कि मार्च क्वार्टर में काफ़ी बाइंग आई है म्यूचुअल फंड और FIIs और DIIs का, इस वाले। और ये रिटेल इन्वेस्टर इतना बड़ा कैंडल्स नहीं बना सकते, ये इंस्टीट्यूशन के ही हाथ में पावर होता है कि ये इतने बड़े कैंडल्स और उसके बाद फॉलो अप कैंडल्स बना दे, ठीक है। अगर हम देखें तो ये भी एक तरह के चैनल में है, अगर हम इसको देखें, और ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न के तरह बना रहा है। अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया, जो पैटर्न का ब्रेकआउट आए ना आए, ठीक है, पहला टारगेट 1164, दूसरा टारगेट हमारा 1452, ये तो मिनिमम से मिनिमम लग रहा है कि CDSL आने वाले 5 से 6 महीना में ये लेवल्स दिखा सकता है। तो CDSL बाय करके अगर हम वन डे का चार्ट देखें, तो कंटिन्यूअस बाइंग आ रहा है, यानी चार्ट भी इस चीज को बता रहा है टाइम एंड अगेन कि यहाँ कुछ तो हो रहा है, यहाँ तो कुछ तो हो रहा है। लगातार इतना बड़ा बड़ा कैंडल, लगभग कितना परसेंट का मूव दे दिया ये? लगभग जो है 12-13% का मूव दे दिया है, तो यहाँ तो कुछ तो जरूर हो रहा है। और थोड़ा सा ये ब्रेक ले रहा है, यहाँ पे रेस्ट ले रहा है 1019 के लेवल पे, क्योंकि 1019 के आसपास का यही लेवल था जहाँ पे ये पहले भी रुका था इस जगह पे। देखें तो ये क्रिटिकल सपोर्ट जोन है, इस लेवल पे, इस लेवल पे और इस लेवल पे। तो हम लोगों को CDSL पे ध्यान रखना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आने वाले टाइम पे, आने वाले वक्त में, ठीक है। तो चूंकि ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एज स्लाइड्स में हम लोग पहले डिस्कस किए हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत अच्छे लेवल पे। अगर हम इसका ये देखें कि ये कितना करेक्ट हुआ हो चुका है, तो लगभग लगभग ये करेक्ट हो चुका है 49%, 50% के डिस्काउंट में है ये अवेलेबल। एटलीस्ट 12% अगर हम उसमें से हटा दें, तो अभी भी 30-35% के डिस्काउंट में। तो इस वीडियो के लिए यही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।